हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं काफी समय पहले, और यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन की जो फ्लैश सेल है वो भी यहाँ पर हो चुकी है कुछ दो दिन पहले। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहा लेकिन स्मार्टफोन हमें मिला नहीं, और काफी लोग बोल रहे थे कि यार हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। काफी लोग कहते हैं यार हम जिस वेरियंट को खरीदना चाहते थे वो वेरियंट हमें नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं, तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, तो हालांकि Redmi Note 10 स्मार्टफोन के बारे में सबसे पहले बात करूं तो Redmi Note 10 स्मार्टफोन की फ्लैश सेल करा दी गई है। और यहां पर दोस्तों, मैं आपको यह भी इन्फॉर्म कर दूं कि Amazon और Redmi दोनों लोगों ने मिलकर के जो Redmi Note 10 स्मार्टफोन के फ्लैश सेल के साथ में किया वो सही नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि Redmi Note 10 जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, 4GB RAM, 6GB RAM। अब यहाँ पर कंपनी का दावा ये था कि हमने Redmi Note 10 स्मार्टफोन को 12,000 रुपए की प्राइसिंग पे लॉन्च किया है और ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। वहां पर कंपनी ने ये नाम तो ले लिया कि नहीं, हमने सुपर एमोलेड डिस्प्ले को सबसे पहले 12,000 रुपए की प्राइसिंग पे लेकर के आया है। लेकिन जब स्मार्टफोन को देने की बारी आई, यानी लोगों को खरीदने की बारी आई, तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लैश सेल में हुआ क्या कि सिर्फ और सिर्फ 6GB RAM वाले वेरिएंट को ही रखा गया Redmi Note 10 स्मार्टफोन के। यहां पर 4GB RAM जो वेरिएंट था उसको रखा ही नहीं गया। यानी अगर मेरा बजट 12,000 रुपए है, मैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं Redmi Note 10 स्मार्टफोन में, तो वो स्मार्टफोन मुझे दिया ही नहीं जाएगा। कंपनी ने लॉन्च भले कर दिया लेकिन वो स्मार्टफोन मुझे मिलेगा नहीं। अगर मुझे स्मार्टफोन लेना है Redmi Note 10, मुझे 6GB RAM वाले वेरिएंट के साथ में जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके। तो 6GB RAM वाले वेरिएंट को हम क्यों परचेस करने जाएंगे उतना पैसा लगा करके? उससे अच्छा उतनी प्राइसिंग में हमें किसी और स्मार्टफोन के साथ में चले जाएंगे जिसमें हमें अच्छा प्रोसेसर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बातें हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि Redmi को 6GB RAM वाले वेरिएंट में ज़्यादा प्रॉफिट होता, 4GB RAM वेरिएंट में कम प्रॉफिट होता, तो इसकी वजह से 4GB RAM वाले वेरिएंट को इन लोगों ने रखा ही नहीं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि यार हमने स्मार्टफोन को ऑर्डर किया लेकिन ऑर्डर हो भी गया, प्लेस भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर मेल आया कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। तो ये भी बात मुझे सही नहीं लगी यार। अगर ऑर्डर अमेजोन के पास में स्टॉक नहीं है तो पहले बता देना चाहिए कि भैया स्टॉक नहीं है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑर्डर करवा करके पेमेंट ले करके फिर से उसको कैंसिल करना, ये कुछ ठीक नहीं है। एटलीस्ट जिन लोगों का पैसा फंस गया, रिफंड आने में टाइम लगेगा, उनका पैसा तो आपके पास फंसा और स्मार्टफोन उनको मिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत बुरी चीज़ है जो कि हमेशा Redmi के स्मार्टफोन के फ्लैश सेल में होती ही होती है। दोस्तों, Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ। Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन का जो फ्लैश सेल कराया गया था वहां पर स्मार्टफोन मिला ही नहीं, ज्यादातर लोगों को स्मार्टफोन नहीं मिला, मुश्किल से एक दो लोगों का स्मार्टफोन मिला होगा। जो स्मार्टफोन है वो स्टॉक में आया और तुरंत चला भी गया। तो ये कुछ हो रहा है Redmi के स्मार्टफोन के साथ में। एटलीस्ट स्मार्टफोन इन लोगों ने काफी अच्छी प्राइसिंग पे लॉन्च तो कर दिया लेकिन जब वो स्मार्टफोन पब्लिक को मिलेगा ही नहीं तो स्मार्टफोन को लॉन्च करने का फिर मतलब क्या निकलेगा? तो ये पूरी डिटेल है। अगर आपने स्मार्टफोन को परचेस नहीं कर पाए आप, तो आप नेक्स्ट सेल में वेट करिएगा। अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगा कि जिस वेरिएंट की आपको नीड है आप उसी को परचेस करें, ज्यादा पैसा देकर के आपको हायर वाले वेरिएंट को परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस पूरी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइन दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ उस वीडियो का जैसे आगे होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा।